की जय, संत समाज की जय, गीता माता की जय, सनातन धर्म की शुभं जावानो विदते भुजगमया। आइए ये तो पादरी हैं, पादरी साहब आ गए, लेकिन पादरीपन को ठुकरा कर फिर डॉक्टर सुमन डॉक्टर सुमंत मार रहे रॉबर्ट सोलोमन आज दीक्षा लिया है बापू से। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवै नमः। हरिः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रीखदशवामरुतः प्रश्ने मातरः शुभं यावानो विदधे कुजमयः अग्नि जिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाखभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्टुवागो शस्तनुभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः सर्वं सुशान्तिर्भवतु। पूज्य बापूजी महाराज, सभी संत मंडली, संत समाज, सारे सत्संगी बहनों भाइयों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। क्योंकि हमारे पूज्य गुरुदेव
बाबा जी जो कि अब तो शरीर में नहीं है, वो भी इनके बारे में जो वचन करते थे कि आज बापूजी जैसे महान कर्मयोगी संत बहुत ही संसार में कम मिलते हैं, जो ऐसा सर्वसांझा अद्वैत सिद्धांत का प्रचार संसार में कर रहे हैं। आज ये समय की बहुत बड़ी ज़रूरत है, एक ऐसे समय पर ऐसे कर्मयोगी जो कि इनकलाब ला सके, जिसकी सोबत से शोरत से संगत से हम सबको एक दिशा मिल सके। सो ऐसे परम पूज्य महापुरुष बापू जी के चरणों में हमारा कोट कोट बार प्रणाम है, नमस्कार है। परम श्रद्धेय परम पूज्य श्री बापू जी संत चरणारविंद, भगवत कथा रस प्रेमी माताएं बहनें एवं बंधुओं, जिनसे संतों को कष्ट प्राप्त होता है ऐसे बड़े राजा नष्ट हो जाते हैं, भ्रष्ट हो जाते हैं। तो याद रखना, जहां धर्म होगा और धर्म का इतना बड़ा शिक्षण बापूजी ने पूरे राष्ट्र में विदेश तक पहुंचाया, इस उम्र में भी उनका इतना बड़ा कृत्य ऐसा कि उसकी प्रशंसा के लिए कोई शब्द नहीं है। जहाँ लाखों लाखों लोगों को सनातन मार्ग पर चलाने का संकल्प ऐसे महापुरुष के चरणों में कोट कोट प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। परम पूज्य प्रातस्मरणीय परम श्रद्धेय पूज्यपाद अनंत विभूषित पूज्य बापू श्री श्री रतवाड़ा साहिब से पधारे परम पूज्य प्रातस्मरणीय परम श्रद्धेय बाबा श्री हरपाल सिंह महाराज, अन्यान्य सभी पूज्य संतचरण, आप सभी इस सत्संग में चातक पक्षी की तरह आए हुए सभी गुरु भाई बहन, हमें एक सशक्त भारत, समृद्ध भारत और सांस्कृतिक भारत चाहिए। भारत माता की जो सांस्कृतिक विरासत है, भारत माता का जो गौरव है, भारत की जो संपदा है, उसे जो चोट पहुंच रही है, हम ही उसकी रक्षा कर सकते हैं। मैं विश्व हिंदी परिषद की ओर से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, और साथ ही साथ यहां विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश मीडिया प्रभारी श्री विजय सिंह भारद्वाज जी आए हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि पूज्य श्री को प्रणाम करें, पूज्य संतों को प्रणाम करें, आई हुई संगत को प्रणाम करें। परम पूजनीय श्री बापू जी एवं उपस्थित संतगण,